बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में आप C++ आउटपुट के बारे में समझेंगे कि किस तरह से आप C++ लैंग्वेज में टेक्स्ट को स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग विद क्लिक्स को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें। C++ का प्रोग्राम लिखते वक्त आप सबसे पहले लिखते हैं हैश इनटू लाइव स्ट्रीम और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। देन आप मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको कोड लिखते हैं जिसे आपने एग्जीक्यूट करना होता है। देन आप लिखते हैं रिटर्न 0। लास्ट वीडियो में मैंने C++ का सिंटैक्स डिटेल से डिस्कस किया है, जिसमें मैंने बताया है कि हैश इनटू लाइव स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन सी आउट रिटर्न 0 इन सब के क्या फंक्शंस हैं, क्या यूज है C++ लैंग्वेज में। इसके अलावा C++ का प्रोग्राम लिखते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना है, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाके वो वीडियो देख लें ताकि आप C++ के सिंटेक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर मैं स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मैं सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज करूंगी, क्योंकि सी आउट ऑब्जेक्ट यूज होता है आउटपुट के लिए और टेक्स्ट को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए। सी आउट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर के साथ, और जो भी टेक्स्ट आप स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं उसे आपने डबल कोट्स में लिखना है। मेन फंक्शन के अंदर आप जो भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे हर लाइन के एंड पर सेमी कॉलन डालेंगे। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए आप रियल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। रियल स्टूडियो कोड में सी या C++ प्रोग्राम्स को रन करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है, कुछ एक्सटेंशन को डाउनलोड करना होता है। तो अगर आपको नहीं पता कि रियल स्टूडियो कोड को किस तरह से सेटअप करना है तो उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आपका विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप हो जाए सी या C++ प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। विजुअल स्टूडियो कोड में सबसे पहले आप एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल क्रिएट करने के बाद आपने सबसे पहले अपनी फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करें और सेव एस के बटन पे क्लिक करें। जहां भी आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं वो डायरेक्टरी सिलेक्ट कर लें। इसके बाद फाइल का नेम टाइप करें जिस नेम से आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि आप C++ प्रोग्राम रन कर रहे हैं इसलिए आपने अपनी फाइल को .C++ एक्सटेंशन से सेव करना है। देन सेव के बटन पे क्लिक करें, हैश include IO stream using namespace std in the main। cout hello world। प्रोग्राम लिखने के बाद आपने सबसे पहले अपने प्रोग्राम को सेव करना है। फाइल में जाकर सेव के बटन पे क्लिक करके भी अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं और कंट्रोल एस के की प्रेस करके भी आप अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के बाद आपने प्रोग्राम को रन करना है। प्रोग्राम रन करने के लिए आप इस बटन पे क्लिक करें और रन पोर्ट पे क्लिक करें। ये देखिए आपको आउटपुट शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड। अभी आपने एक टेक्स्ट प्रिंट करवाया है, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं C++ प्रोग्राम में तो आप किस तरह कर सकते हैं। एक से ज्यादा टेक्स्ट प्रिंट करवाने के लिए अगेन आप सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे और जो भी टेक्स्ट आप स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं उसे डबल कोट्स में लिखेंगे। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। अगेन आप लिखेंगे सी आउट आई एम writing a C++ program। लाइन के एंड पे आपने सेमीकोलन डालना है। अब क्योंकि मैंने प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं तो
जब भी आप न्यू प्रोग्राम लिखें या अपने प्रोग्राम में कोई चेंजेस करें, आपने डायरेक्ट प्रोग्राम को रन नहीं करना. सबसे पहले आपने अपने प्रोग्राम को सेव करना है एंड देन रन करना है. प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं आप फाइल में जाके सेव के बटन पे क्लिक करके, या कंट्रोल एस के की से भी आप सेव कर सकते हैं. सेव करने के बाद आपने प्रोग्राम को रन करना है. आप देख सकते हैं कि ये दोनों टेक्स्ट एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रही हैं. हालांकि आपने यहाँ पे ये टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाया है, तो C++ लैंग्वेज में टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं? C++ लैंग्वेज में आप अपने टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं \n का. क्योंकि आपने हेलो वर्ल्ड के बाद न्यू लाइन को इंसर्ट करना है, न्यू लाइन पे टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, और इसलिए डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड के साथ आप लिखेंगे \n. हो सकता है कि आपके माइंड में क्यूरी हो कि हेलो वर्ल्ड के बाद स्पेस दे के \n लिखना है. C++ सिंटैक्स को डिस्कस करते वक्त मैंने आपको बताया था कि C++ कंपाइलर इग्नोर्स वाइट स्पेसेस. तो C++ प्रोग्राम लिखते वक्त आप स्पेस ऐड करें या ना करें, प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा. प्रोग्राम लिखते वक्त व्हाइट स्पेसेस इसलिए ऐड की जाती हैं ताकि प्रोग्राम इजीली रीडेबल हो. C++ प्रोग्राम में न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए आप हेलो वर्ल्ड के साथ डबल कोट्स में टाइप करेंगे \n. प्रोग्राम में चेंजेस करने के बाद सबसे पहले आप इसे सेव करेंगे कंट्रोल एस के की से. सेव करने के बाद आप प्रोग्राम को रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है. तो C++ प्रोग्राम में न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए या अपने टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाने के लिए आप यूज करते हैं डबल कोट्स में \n का. ये टेक्स्ट तो आपने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाया है, लेकिन अगर आप इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान एक कंप्लीट लाइन छोड़ना चाहते हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं? तो अगर आप इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान एक कंप्लीट लाइन छोड़ना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे डबल \n का. फर्स्ट \n क्या करेगा, इस टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाएगा, और नेक्स्ट \n क्या करेगा, इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान एक कंप्लीट लाइन छोड़ देगा. तो अब इस प्रोग्राम को भी रन करवा के देखते हैं. तो यहाँ पे आप एक और \n का यूज करेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे, देन रन करेंगे. तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान एक लाइन का गैप है. तो जितना भी गैप आप इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप \n यूज कर सकते हैं. C++ प्रोग्राम में न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए या टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाने के लिए \n के अलावा आपके पास एक और मेथड है. C++ प्रोग्राम में \n की जगह आप यूज कर सकते हैं एंड एल का. C++ का सिंटैक्स डिस्कस करते वक्त भी मैंने आपको बताया था कि एंड एल का मतलब है एंड ऑफ लाइन. C++ प्रोग्राम में एंड एल को यूज करते हैं न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए या नेक्स्ट लाइन पे टेक्स्ट को प्रिंट करवाने के लिए. एंड एल को डबल कोट्स में नहीं लिखते बल्कि इंसर्शन ऑपरेटर के साथ एंड एल को यूज करते हैं. तो अब एंड एल को यूज करते हुए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. तो अब यहाँ पे \n की जगह मैं यूज कर रही हूँ एंड एल. एंड एल को आपने इंसर्शन ऑपरेटर के साथ लिखना है. प्रोग्राम को सेव करें. आप देख सकते हैं कि एंड एल को यूज करके भी टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हुआ है. इसी तरह अगर आप इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान एक लाइन का गैप छोड़ना चाहते हैं तो आप दो मरतबा एंड एल को यूज कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि टू टाइम्स एंड एल को यूज करने से दोनों टेक्स्ट के दरमियान एक लाइन का गैप आ गया है. तो C++ लैंग्वेज में टेक्स्ट को प्रिंट करवाने के लिए आप सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए \n या एंड एल का यूज करते हैं. अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.